दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसेंसिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल 25 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है और ये चौथा वीडियो है। इसके पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में ये वीडियो उपलब्ध है, इसे आप वहाँ से देख सकते हैं। इन 25 प्रश्नों में हम प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्या करते हैं, फलस्वरूप आपके एक प्रश्न से 2-3 प्रश्न तैयार हो जाते हैं। तो कुल मिला के 25 प्रश्नों से आपके 50-60 प्रश्न तैयार हो जाते हैं। अब आपको पता है एग्जाम पास करने की गारंटी है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करना। आप किताबें कितनी भी पढ़ लीजिए, जब तक आप प्रश्नों को सॉल्व नहीं करते तब तक आपको वो अभ्यास नहीं मिल पाता जिससे कि आपका एग्जाम निकल सके, आप परीक्षा पास कर सके। तो आप ने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप वास्तविक रूप से तैयारी करना चाहते हैं किसी भी परीक्षा की, अगर वो हिंदी साहित्य से संबंधित है तो आइए हम ये वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु। तो पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आपको पता है पृथ्वीराज रासो को लिखा है चंद बरदाई जी ने और चंद बरदाई जी को 56 छंद का विशेषज्ञ माना जाता है और इस ग्रंथ को यानी पृथ्वीराज रासो को चंद बरदाई के पुत्र जलहर ने पूरा किया था और डॉक्टर बच्चन सिंह ने इस ग्रंथ को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। बीसल देव रासो का 12 मासा विरह वर्णन किस मास से प्रारंभ होता है, अषाढ़ से, वैशाख से, सावन से, कार्तिक से। तो बीसल देव रासो का 12 मासा कार्तिक माह से प्रारंभ होता है। आपको पता है बीसल देव रासो नरपति नाल ने लिखा है संवत 1212 ईस्वी में और इसे आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली कौन सी है, चरित काव्य है, रास काव्य है, फागु है, चंपू काव्य है। तो जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली है रास काव्य। अब आपको पता है कि आदिकाल में जैन कवियों ने ही रास काव्य का सृजन किया। कुछ प्रमुख रास काव्य में कल्पत विजय ने कुमार रासो लिखा, तो नरपति नाल ने बीसल देव रासो लिखा जिसमें हिंदी का प्रथम 12 मासा वर्णन हुआ है। थोड़ी देर पहले हमने इसकी चर्चा की थी। जगनकी ने परमाल रासो लिखा है और चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है और सारंगधर ने हमीर रासो लिखा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। रासो ग्रंथों की भाषा है प्राकृत, अपभ्रंश, डिंगल पिंगल, ब्रज। तो रासो ग्रंथों की भाषा है डिंगल पिंगल। डिंगल क्या है, अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के मेल को डिंगल कहते हैं, अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मेल को पिंगल कहते हैं। अगला प्रश्न है, नल्ल सिंह द्वारा रचित रासो ग्रंथ है विजयपाल रासो, परमाल रासो, कुमार रासो, हमीर रासो। तो विजयपाल रासो नल्ल सिंह द्वारा रचित ग्रंथ है और परमाल रासो जगनिकी ने लिखा है, कुमार रासो दलपति विजय ने लिखा है और हमीर रासो सारंगधर ने लिखा है। अगला प्रश्न है, किस रासो ग्रंथ में आल्हा और उदल नाम के दो सरदारों के वीरतापूर्ण युद्ध का वर्णन किया गया है, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, कुमार रासो, हमीर रासो। तो परमाल रासो में आल्हा और उदल नाम के दो सरदारों के वीरतापूर्ण युद्ध का वर्णन किया गया है। ये महोबा से संबंधित थे और आपको पता है कि चार्ल्स इलियट ने 1865 ईस्वी में इसका प्रकाशन करवाया था और आल्हा बरसात ऋतु में यानी वर्षा ऋतु में गाया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के 30,000 छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद किस लेखक ने किया, कर्नल जेम्स टॉड,
डॉक्टर बुलर, डॉक्टर सुनीत चटर्जी, श्याम सुंदर दास। तो कर्नल जेम्स टॉड ने 30,000 छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। अब आपको पता है पृथ्वीराज रासों में कैमास वध और पद्मावती समय ये महत्वपूर्ण सर्ग हैं। अगला प्रश्न है, कैमास वध किस रासो ग्रंथ का प्रसंग है? पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, विजयपाल रासो, परमाल रासो। तो कैमास वध पृथ्वीराज रासो का प्रसंग है। पता है पृथ्वीराज चौहान से संबंधित ये ग्रंथ है, उनकी वीरता से संबंधित है, वीर रस का इसमें प्रभाव है, या कह सकते हैं कि वीर रस इसमें प्रमुख है। चंद बरदाई जी ने लिखा है और इनके अधूरे ग्रंथ को चंद बरदाई के पुत्र जलहर ने पूरा किया था। अगला प्रश्न है, विद्यापति की प्रसिद्धि का प्रमुख आधार ग्रंथ कौन सा है? पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शैव सर्वस्वसार, पदावली। तो विद्यापति की प्रसिद्धि का आधार पदावली है। विद्यापति का समय 1350 से 1460 ईस्वी तक का है, बिहार के निवासी हैं। विद्यापति शैव थे यानी भगवान शिव को मानने वाले थे और तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के आश्रय में ये रहे थे। अगला प्रश्न है, आदिकाल में खड़ी बोली ब्रज भाषा अरबी फारसी में रचना करने वाला एकमात्र कवि कौन है? तो अमीर खुसरो, सराहपा, विद्यापति, मधुकर। तो एकमात्र कवि जिसने इन सभी भाषाओं में रचना की अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि माने जाते हैं। इनकी तीन प्रमुख हिंदी में रचनाएं हैं, खालिक बारी, हालाते कन्हैया, नजरान ए हिंदी। अमीर खुसरो का जन्म 1254 ईस्वी में एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जयचंद प्रकाश ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? मधुकर, भट्ट केदार, जगनिक, केशव दास। तो जयचंद प्रकाश ग्रंथ के जो रचनाकार हैं वो भट्ट केदार हैं। मधुकर ने लिखा है जय मयंक जस चंद्रिका, जगनिकी ने परमाल रासो लिखा है और केशव दास ने रामचंद्रिका लिखा है। केशव को कठिन काव्य का प्रेत भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, रणमल्ल छंद के रचनाकार हैं श्रीधर, नागार्जुन, सरहपा, देवसेन। तो रणमल्ल छंद के रचनाकार हैं श्रीधर। अब आपको पता है सरहपा हिंदी के प्रथम कवि हैं, 760 ईस्वी इनका समय है। इन्हें सरहपाद, सरोज, वज्र, राहुल भद्र नाम से जाना जाता है और सिद्धों में ये सबसे पुराने हैं। देवसेन ने श्रावकाचार और नए चक्र जैसे ग्रंथों की रचना की है। अगला प्रश्न है, संस्कृत प्राकृत काव्य कुमार पाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? हेमचंद, वररुचि, सोम प्रभु सूर्य, जयानक। तो इसके रचनाकार हैं सोम प्रभु सूर्य। हेमचंद ने द्वयाश्रय काव्य शब्दानुशासन प्राकृत व्याकरण की रचना की है। अगला प्रश्न है, आदि पुराण, महापुराण तथा जसहर चरिव के रचनाकार कौन है? स्वयंभू, पुष्पदंत, सरहपा, मणिभद्रपा। तो इसके रचनाकार हैं पुष्पदंत, 10वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं। इनका उपनाम अभिमान मेरु था, पहले शैव थे बाद में जैन हो गए, अपभ्रंश साहित्य के व्यास कहा जाता है पुष्पदंत को। महापुराण और लय कुमार चरिव और जसहर चरिव ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है, विद्यापति की किस रचना में शिव सिंह का वर्णन है? कीर्तिलता, पदावली, भू परिक्रमा, कीर्ति पताका। तो कीर्ति पताका में शिव सिंह का वर्णन है और आपको पता है कि ये कीर्ति सिंह के आश्रित कवि थे। विद्यापति को कवि शेखर, दशा विधान, खेलन कवि आदि उपाधियां प्रदान की गई हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में नख सिख वर्णन की श्रृंगारिक परंपरा किस ग्रंथ से आरंभ होती है? पृथ्वीराज रासो, उपदेश रसायन रास, संदेश रासक, राहुल बेल। तो नख सिख वर्णन की श्रृंगारिक परंपरा राहुल बेल से आरंभ होती है। 10वीं शताब्दी में रचित चंपू काव्य है, एक शिलांकित कृति है यानी शिला पर लिखी गई कृति है और इसीलिए अभी तक सुरक्षित भी है। और राहुल बेल में हिंदी साहित्य में नख सिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा
आरंभ होती है। इसकी भाषा में 7 बोलियों का मिश्रण है जिसमें राजस्थानी की प्रधानता है। अगला प्रश्न है, आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले लेखक हैं ज्योतिरीश्वर विद्यापति, चंद्रकपि और खुसरो। तो खुसरो हमारा सही उत्तर है। खुसरो का समय 1253 ईस्वी से 1325 ईस्वी है। इनका वास्तविक नाम अबुल फसन था। गुरु निजामुद्दीन औलिया हैं इनके। इन्होंने खालिक बारी, पहेलियां और मुकरियां, 2 सखुने और गजल जैसी रचनाएं की है। अमीर खुसरो ने दिल्ली के 11 राजाओं का शासन देखा है। अमीर खुसरो को महाकवि और कवियों का राजकुमार कहा है। किसने? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने। और इन्हें संगीत में कव्वाली, तराना गायन शैली और सितार का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नारियों के प्रति निंदा और उपेक्षा भाव साहित्य में मिलता है, किस साहित्य में मिलता है? नाथ साहित्य में, सिद्ध साहित्य में, जैन साहित्य में, रासो साहित्य में। ये मिलता है नाथ साहित्य में। नारियों के प्रति उपेक्षा का भाव, निंदा का भाव नाथ साहित्य में मिलता है। नाथों की संख्या 9 है और इन्होंने निरीश्वरवादी शून्य को ईश्वरवादी शून्य के रूप में प्रतिष्ठित किया। 9 प्रमुख नाथ हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के हिसाब से नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधर और मल्लार्जुन। अगला प्रश्न है, आदिकालीन किस कृति को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, रामचंद्रिका। तो पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। हम पहले ही बता चुके हैं कि 1212 ईस्वी में इसकी रचना हुई है और रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य कहा और चंद्रबरदाई को प्रथम महाकवि कहा है। और एक तथ्य और कि इस पुस्तक को इनके पुत्र जल्हर ने पूरा किया है। ये तथ्य हम आपको 2-3 बार बता चुके हैं तो आपको याद हो चुका होगा। पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन 69 समय या खंडों में किया गया है। ये वीर रस प्रधान काव्य है। इसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। पद्मावती समय, कैमास वध इसके महत्वपूर्ण भाग हैं। ये सारे प्रश्न, ये सारे तथ्य परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, यह उक्ति शुक्ल जी ने किसके विषय में कही है? गीत गोविंद, रामचरितमानस, पद्मावत, विद्यापति, पदावली। तो विद्यापति ने मैथिली भाषा में पदावली लिखा, इसी को लेकर के ये कमेंट किया शुक्ल जी ने। और इसमें राधा और कृष्ण के भौतिक एवं श्रृंगारिक प्रेम का वर्णन है। इसमें कवि ने वह संधि, नक्षिक, अभिसार का चित्रण किया है और निराला ने इस पदावली की मादकता की तुलना नागिन की लहर से की है। अगला प्रश्न है, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। पंक्ति खुसरो ने किसके परलोक गमन पर कही थी? इसके ऑप्शन गलत है। इसका सही उत्तर है निजामुद्दीन औलिया, इनके गुरु थे खुसरो साहब के, और इन्हीं के निधन पर खुसरो ने ये पंक्तियां कही है। और आपको पता है कि खुसरो की 3 प्रमुख रचनाएं हिंदी में उपलब्ध हैं, खालिक बारी, हालात कन्हैया, नजराने हिंदी। और खालिक बारी को हिंदी का प्रथम कोश ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न है, 12 वर्ष लव कुकुर जीवे और 13 लव जिए सियार, काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं नल सिंह, चंद्रबरदाई, जगनिक, नरपति नाल है। तो पूरी पंक्ति इस प्रकार है कि 12 वर्ष लव कुकुर जीवे और 13 लव जिए सियार, और वर्ष 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। तो ये जगनिक ने लिखी है, अपने ग्रंथ परमाल रासो में लिखा है। आल्हा खंड में ये पंक्तियां हैं। और आपको पता है कि इसमें आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन है और चार्ल्स एलियट ने इस ग्रंथ को 1865 में प्रकाशित कराया था। अगला प्रश्न है, भल्ला हुआ जो मारिया, बहिड़ी मारा कंतु, लज्जम तू वयंसी, अहु जय भग्गा घर
एंतु। अपभ्रंश की यह रचना किस कवि की है? देवसेन, हेमचंद, वररुचि, श्रीधर। तो ये पंक्तियां हेमचंद की है, और हेमचंद की जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें है शब्दानुशासन, कुमार पाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण और छंदानुशासन। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को सही क्रम में रखिए। पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमान रासो, बिसल देव रासो। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले हम खुमार रासो को देख लेते हैं कि 5000 छंदों का ग्रंथ है, दलपत विजय ने लिखा है, 9वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई है। और अगला ग्रंथ अगर हम देखें तो बिसल देव रासो, नरपति नाल ने लिखा है, संवत 1212 ईस्वी में, और मुक्तक काव्य परंपरा का गेय काव्य है, 128 छंदों की रचना है, माता प्रसाद गुप्त ने इसका संपादन किया है, और प्रथम 12 मासा का वर्णन इस कृति से प्राप्त होता है, और 12 मासा की शुरुआत कार्तिक मास से होती है। आगे देखते हैं पृथ्वीराज रासो, 1212 ईस्वी में चंद्रबरदाई ने लिखा है, प्रथम महाकाव्य माना है इसे रामचंद्र शुक्ल ने, और चंद्रबरदाई को प्रथम महाकवि माना है, जलहर ने इसे पूरा किया है चंद्रबरदाई के पुत्र ने। आपको पता है चंद्रबरदाई की दो पत्नियां थी, जिसमें जलहर उन्हें सबसे प्रिय पुत्र थे, उनके 10 पुत्र थे जिसमें जलहर सबसे ज्यादा प्रिय पुत्र थे क्योंकि ये सबसे ज्यादा बुद्धिमान थे। पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है, ये 69 समय या खंडों में विभाजित है, वीर रस प्रधान है, छंदों का अजायब घर कहा जाता है, और कैमास वध और पद्मावती समय इसके प्रमुख पाठ हैं, प्रमुख भाग हैं। आगे देखते हैं परमाल रासो, जगनिक ने लिखा है, आला उदल की कथा 36 खंडों में कही गई है, और आला खंड को आपको पता है वर्षा ऋतु में गाया जाता है, इस ग्रंथ का समय 1230 ईस्वी है, वीर रस प्रधान है। तो ये मेरी कोशिश थी आपको 25 प्रश्नों से परिचित कराने की। अपना स्नेह बनाए रखिए, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम इस तरह के वीडियो आपके लिए निरंतर लेके आते रहेंगे, और आपकी परीक्षा में अपना सहयोग देते रहेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, तब तक के लिए नमस्कार।